आज राहुल गांधी जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें महसूस, आप अपना नाम बताएं। मैं विनय यादव हूं और पूर्वांचल से आता हूं, जौनपुर से, और मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहा हूं। मैं जानता हूं युवाओं को इस देश में ज़रूरत है। जब एक युवा हमारे देश का नेतृत्व करेगा तब एक हर एक युवा के सिचुएशन बदलेगा, क्योंकि इनकी सोच है हर एक समाज के, हर एक तबके के, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, उनको कैसे एक बराबर के हक दिया जाना चाहिए। दो दिन पहले आपने दिखा है महिलाओं के लिए राहुल जी ने क्या किया था, पंचायत से लेकर संसद तक के लिए इन्होंने प्रोग्राम चलाया। लेकिन मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन तो चला दिए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, राहुल जी की सोच पर क्या चलना चाहते हैं? अगर वो चलना चाहते हैं तो 50% आरक्षण पार्लियामेंट में उनको करना चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट में करते हैं तो इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा सच में वो बेटी बचाना चाहते हैं। और इसी तरह अगर देश में जिस तरह से ये झूठ बोल बोल के दर कदम हर एक इंसान को बरगलवाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन राहुल जी में ऐसा कोई भी वो नहीं है कि किसी छात्र को, किसी युवा को, किसी भारतीय नागरिक, चाहे जो भी हो, चाहे कहीं भी हो, उसके सोच के अनुसार ये काम कर रहे हैं। आप गुजरात में देख लेना, दो दिन बाद यही राहुल जी की सोच जीत होगी और एक युवा की सोच की जीत होगी। हम जानते हैं कि हमारे देश के युवा पर भरोसा करते हैं, तभी तो आज सारे युवा यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पूरे देश से, हर एक जगह से, देश के हर एक कोने से आए हैं। आपको यह मैसेज देना चाहते हैं कि युवा जब देश का नेतृत्व करेगा तभी देश बदलेगा। मैं राहुल जी को अपने हृदय दिल से, पूरे अपने NSUI छात्र के तरफ से नमन करता हूं कि वो आगे आए और हमें भी बढ़ाए और हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।